प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में आपको बताया था कहानी के संदर्भ में, तो जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी चल रही थी ध्रुव यात्रा। थोड़ा सा उनके जीवन में और झांक के देखें तो पता चलेगा कि जैनेन्द्र जी का जन्म जो 1905 में अलीगढ़ कोड़ियागंज में हुआ था, बाल अवस्था का नाम आपको बता ही चुके थे, आनंदीलाल था। हस्तनापुर के गुरुकुल में आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इन्होंने पंजाब से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और उच्च शिक्षा के लिए आपको हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी या बनारस पढ़ने के लिए जाना पड़ा और असहयोग आंदोलन में आप गांधी जी से जुड़ गए और उन्हीं की प्रेरणा से पढ़ाई छोड़कर दिल्ली चले गए। संवाददाता के रूप में आपने कार्य किया। जीवन की विषम परिस्थिति में आपका लेखन कार्य हमेशा अनवरत रूप से चलता रहा, शिथिल नहीं पड़ा। इसी बीच आपका पहला उपन्यास आपने लिखा था परख, तो उसको अकादमी के माध्यम से पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी के माध्यम से। राजनीतिक आंदोलनों के में सक्रिय भाग लेने के कारण आपको कई बार जेल भी जाना पड़ा, ये आपसे चर्चा कर चुके थे, लेकिन अपनी साहित्यिक साधना में ये कभी भी अवरोध नहीं आने देते थे, हमेशा अनवरत रूप से अपना लगे रहते थे। और 24 दिसंबर सन 1988 में आपका निधन हो जाता है। कृतियाँ इन्होंने बहुत सारी काम किया है, फांसी है, बातायन है, नीलम देश की, राजकन्या, एक रात, दो चिड़ियाँ, पाजेब और जय संधि आपकी प्रमुख रचनाएँ थीं। त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, कथा शिल्प एवं भाषा शैली, थोड़ा सा इसमें हम लोग चर्चा कर लें। जैनेन्द्र जी की कला चरित्र की निष्ठा तथा संवेदना के व्यापक धरातल पर विकसित हुई है। आपकी कहानियों में दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टि देखने को मिलती है। आपकी कहानियाँ मनोविश्लेषणात्मक हैं, जीवन दर्शन परक भी हैं। इनकी जो मुख्य कहानियाँ हैं, जानवी है, पाजेब है, एक रात है, मास्टर जी इत्यादि, तो ये इनकी जैनेन्द्र जी शैली के विविध रूप हैं। इनमें दृष्टांत, वार्ता, कथा शैलियाँ इनकी प्रमुख रही हैं। नाटकीय एवं स्वागत भाषण शैलियों का भी प्रयोग किया है आपने। इन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया, संस्कृत है, उर्दू है, अंग्रेजी है, शब्दों को समेटकर उन्होंने अपनी भाषा भावपूर्ण और चित्रात्मक शैली का सशक्त प्रयोग किया है। भावानुकूल भी शैली इनकी रही है। आपकी भाषा शैली को उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। जैनेन्द्र जी की कहानियों में संवादों की विशेषता रही है और सीमित शब्द योजना इनकी रही है, तथापि उनके कथोपकथन मानव चरित्र का विश्लेषण करते हुए पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं, उनकी मानसिक स्थितियों को उजागर करते रहे हैं। आपकी कहानियों में निश्चित लक्ष्य है तथा उनमें चिंतन की गहराई भी है और इसके अतिरिक्त अनुभूति की व्यंजना, आदर्श की प्रतिष्ठा इत्यादि, ये सब पक्ष देखने को मिलती हैं। तो इनकी कहानी उत्कृष्टताओं को दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर हम उभारने का प्रयत्न भी इन्होंने बहुत किया है कि उसमें दार्शनिक पुट रहा है, अर्थात दार्शन माने हर चीज़ को बड़ी गहराई और विहंगम दृष्टि से उन्होंने प्रस्तुत किया है। ऐसे हमारे जैनेन्द्र कुमार जी थे। तो आगे और आपको हम इनकी पूरी कहानी आपको दे रहे हैं इसी में, तो आप देख लेंगे और पढ़ लेंगे। प्रश्नोत्तरी भी उसमें साथ में दी गई है, उसको भी देख करके आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। तो ये जैनेन्द्र कुमार जी की ध्रुव यात्रा के विषय में चर्चा कर रहे थे, जो छोटा हुआ अंश है वो भी आपको प्रस्तुत किए दे रहे हैं और उसी के साथ अपना पूरी ये महत्वपूर्ण कहानी है, इसको याद कर लेना। प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल कुमार पुरवार, GRV इंटर कॉलेज राठ, आज आपको कहानी में जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित ध्रुव यात्रा, ये अक्सर आती है। इस कहानी में एक उच्च वर्ग, एक राजसी खानदान और एक आम नागरिक में प्रेम, एक लड़की है आम नागरिक और राजा है
उन दोनों में प्रेम होता है, ये कहानी आगे बढ़ती है, उसको लेकर के आज आपसे चर्चा करेंगे। ध्रुव यात्रा है क्या? वैसे हमारे पृथ्वी में चुंबक जो होती है उसमें भी दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अंग्रेजी में उसी को हम उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल कहते हैं। तो ध्रुव यात्रा जो शीर्षक दिया है बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि एक ऊंचा घराना है और एक निम्न घराना है, दोनों की प्रेम की कहानी है। ये लेकर के जैनिंद कुमार जी ने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को चित्रित किया है। तो ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनिंद कुमार द्वारा रचित कहानी है। जैनिंद जी मुंशी प्रेमचंद जी की परंपरा के अग्रणी कहानीकार हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखकर इन्होंने हिंदी कहानी कला के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय को जोड़ा है। तो प्रस्तुत कहानी में इन्होंने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन धारा को जन्म दिया है और कहानी ध्रुव यात्रा की रचना की। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तर पूर्वी को जीतकर अर्थात उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयां लेते हुए भारत आ रहे हैं। इस खबर को सभी ओर जिसने उनसे विवाह किए बिना उनके बच्चे को जन्म दिया है ने भी इस समाचार को पढ़ा। उसने यह भी पढ़ा कि वे अब बंबई पहुंच चुके हैं जहां उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। उन्हें अपने संबंध में इस प्रकार के प्रदर्शनों में तनिक भी उल्लास नहीं है, फिर भी इसलिए वे मुंबई में न ठहर कर प्रातः होने के पूर्व ही दिल्ली पहुंच गए। उनके चाहने वाले उन्हें अवकाश नहीं दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे आराम के लिए कुछ दिन के लिए अन्यत्र जाएंगे। राजा रिपुदमन को अपने से ही शिकायत है, उन्हें नींद नहीं आती, वे अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं। जब उर्मिला ने उनसे शादी के लिए कहा था तो उन्होंने परिवारीजनों के डर से मना कर दिया था। उनकी वही भूल आज उन्हें पीड़ा प्रदान कर रही है, वह उनके विषय में बहुत चिंतित है। दिल्ली में आकर वे आचार्य मारुति से मिलते हैं जिनके बारे में उन्होंने यूरोप में भी बहुत सुन रखा था। आचार्य मारुति तरह तरह की चिकित्सीय जांच के परिणामों को ठीक बताते हुए उन्हें विवाह करने की सलाह देते हैं, लेकिन रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए उसे बंधन में बंधना कहते हैं। आचार्य मारुति उन्हें प्रेम बंधन में बंधने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है। अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। वे उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं और अपने व उर्मिला के संबंधों को एक परिणित देना चाहते हैं, लेकिन उर्मिला मना करती है और उनसे सतत आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। वह पुत्र की ओर दिखाते हुए कहती है कि तुम मेरे ऋण से उऋण हो और मेरी ओर से आगामी गति के लिए मुक्त हो। रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताता है। वह उसे ढोंगी महत को शत्रु और साधारणता का अनुचर बताती है। वह कहती है कि तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और तुम्हें सिद्धि तक पहुँचाना चाहती हूँ जो कि मृत्यु के भी पार है। रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलता है तथा उसे बताता है कि वह उर्मिला के साथ विवाह करके साथ में रहने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी, अब वह मुझे सिद्धि तक जाने के लिए प्रेरित कर रही है। आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला उनकी ही पुत्री है
वे उसे विवाह के लिए समझाएंगे। जब उर्मिला आचार्य के बुलावे पर उनके पास जाती है तो वे उससे विवाह के लिए कहते हैं। वह कहती है कि शास्त्र से स्त्री को नहीं जाना जा सकता, उसे तो सिर्फ प्रेम से जाना जा सकता है। वे उसे रिपुदमन से विवाह के लिए समझाते हैं लेकिन वह नहीं मानती। वह स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का पथ अकेले का है। अंत में आचार्य उर्मिला के ऊपर इस रहस्य को प्रकट कर देते हैं कि वे ही उसके पिता हैं। इस अभागिन को भूल जाइएगा, यह कहती हुई वह उनके पास से चली जाती है। रिपुदमन के पूछने पर उर्मिला बताती है कि वह आचार्य से मिल चुकी है। रिपुदमन उसके कहने पर दक्षिणी ध्रुव के शटलैंड द्वीप के लिए जहाज तय करते हैं। अब उर्मिला उनको रोकना चाहती है लेकिन वे नहीं रुकते, वे चले जाते हैं। रिपुदमन की ध्रुव यात्रा पर जाने की खबर पूरी दुनिया को ज्ञात हो जाती है। उर्मिला को भी अखबारों के माध्यम से सारी खबर ज्ञात होती रहती है और वह उन्हीं कल्पनाओं में डूबी रहती है। तीसरे दिन के अखबार से उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर का एक एक अंश पूरे ध्यान से पढ़ती है। अखबार वालों ने एक पत्र भी छापा था जिसमें रिपुदमन ने स्वीकार किया था कि उनकी यह यात्रा नितांत व्यक्तिगत थी जिसे सार्वजनिक किया गया। मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए होशो हवास में मैं अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे। यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है, समाप्त हो जाती है कहानी। ये दुखांत है। दुखांत और सुखांत कहानी में यही अंतर होता है कि जिसका अंत दुख के साथ हो वो दुखांत कहानी कहलाती है और जिस कहानी का अंत सुख के साथ हो वो सुखांत कहानी कहलाती है। जैसे नायक नायिका अंत में पूरी कहानी में अगर कहानी घूमती रहे और अलग अलग बने रहे और अंत में मिल जाते हैं और उनका मिलन हो जाता है तो वो सुखांत कहानी हो जाती है। और यदि कहानी के अंत में नायक या नायिका में से कोई भी बिछड़ जाता है तो वह दुखांत कहानी कहलाती है। तो ये दुखांत कहानी के श्रेणी में ये कहानी ध्रुव यात्रा है। तो इसमें प्रश्न आता है, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु का विवेचन कीजिए। तो अपने ढंग से जो बताया है इसको वैसे लिख सकते हैं या दूसरे तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ध्रुव यात्रा कहानी के कथानक की विवेचना अपने शब्दों में कीजिए। कथा संगठन की दृष्टि से ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए। तो इसको तुलनात्मक ढंग से आपको बताना है। अब है जैनेन्द्र कुमार महान कथाकार हैं, वे व्यक्तिवादी दृष्टि से पात्रों का मनोविश्लेषण करने में कुशल भी हैं। प्रेमचंद की परंपरा के अग्रगामी लेखक होते हुए भी उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नवीन शिल्प प्रदान किया। ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार की सामाजिक मनोविश्लेषणात्मक यथार्थवादी रचना है और कहानी कला के कतिपय प्रमुख तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा इस प्रकार दी गई है। अगर समीक्षा आती है तो लिखेंगे कहानी शीर्षक लिखेंगे पहले। कहानी में कहानी का शीर्षक आकर्षक और जिज्ञासापूर्ण है। सार्थकता तथा सरलता इस शीर्षक की विशेषता है। कहानी का शीर्षक अपने में कहानी के संपूर्ण भाव को समेटे हुए है तथा प्रारंभ से अंत तक कहानी इसी ध्रुव यात्रा पर ही टिकी है। कहानी का प्रारंभ नायक की ध्रुव यात्रा से आगमन पर होता है और कहानी का समापन भी ध्रुव यात्रा के प्रारंभ के पूर्व ही नायक के समापन के साथ होता है। अतः कहानी का शीर्षक स्वयं में पूर्ण और समीचीन है, समय के हिसाब से उचित है। और ध्रुव यात्रा में दोनों ध्रुव दिखाए गए हैं, एक आपका कहना चाहिए राजघराना और एक आम नागरिक आम जनता के। तो दो घरानों का भी यहाँ हम देख करके अगर चित्रण करें तो इस तरीके से ये आपकी कहानी का सारांश आपको सार रूप में बताया। अब आगे है कथानक की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो श्रेष्ठ कथाकार के रूप में स्थापित जैनेन्द्र कुमार जी ने अपनी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से आधुनिक रूप प्रदान किया है।
यह अपनी कहानियों में मानवीय गुणों तथा प्रेम, सत्य तथा करुणा को आदर्श रूप में स्थापित करते हैं। इस कहानी की कथावस्तु का आरंभ राजा रिपुदमन की ध्रुव यात्रा से वापस लौटने से प्रारंभ होती है। कथानक का विकास रिपुदमन और आचार्य मारुति के वार्तालाप, तत्पश्चात रिपुदमन और उसकी अविवाहिता प्रेम का, उर्मिला के वार्तालाप और उर्मिला तथा आचार्य मारुति के मध्य हुए वार्तालाप से होता है। कहानी के मध्य में ही यह स्पष्ट होता है कि उर्मिला ही मारुति की पुत्री हैं। कहानी का अंत और चरमोत्कर्ष राजा रिपुदमन द्वारा आत्मघात किए जाने से होता है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने एक सुसंस्कारित युति के उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया है तथा प्रेम को नारी से बिल्कुल अलग और सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। कहानी का प्रत्येक पात्र कर्तव्य के प्रति, निष्ठा एवं नैतिकता के प्रति पूर्ण रूपेण सतर्क दिखाई पड़ता है और जिसकी पूर्ण परिणति के लिए वह अपना जीवन अर्पण करने से भी नहीं डरता। कहानी मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ दार्शनिकता से भी ओतप्रोत है और संवेदना प्रधान होने के कारण पाठक के अंतःस्थल पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। निष्कर्ष इसका यही है कि कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा एक उत्कृष्ट कहानी के रूप में सामने आई है। इसका उद्देश्य क्या है इस कहानी का? प्रस्तुत कहानी में कहानीकार जैनेन्द्र कुमार जी ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। प्रेम की भावना व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। उर्मिला की है, हाँ स्त्री रो रही है, प्रेम का प्रश्न है। स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे। प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को, किसी को कुछ नहीं जानता। निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य रहा है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। प्रेम का सीधा सा तात्पर्य होता है, प्रेम माने होता है त्याग। जहाँ त्याग जुड़ा होता है वहाँ प्रेम सार्थक दिखाई देता है, और जहाँ स्वार्थपरता या शारीरिक आकर्षण बढ़ जाता है वहाँ प्रेम कहना चाहिए उत्सर्ग हो जाता है। तो प्रेम हमेशा बलिदान करना जानता है, प्रेम हमेशा ऊंचाइयों की ओर ले जाना जानता है, और स्वार्थ हमेशा कहना चाहिए निम्नगामी होता है। तो प्रेम ऊर्ध्वगामी होता है और शारीरिक आकर्षण निम्नगामी होता है। तो इन दोनों में ये दर्शाने की कोशिश की है कि यहाँ उर्मिला ने अपने प्रेम को बलिदान किया है, अपने आप को स्वार्थ के ग्रस्त के जीवन में न बांध करके अपने पति के ध्रुव यात्रा के उद्देश्य में कहीं वो बाधक नहीं बनी है, वो उनके लिए साधक बनी है। ये कहानी का सारांश आपके सामने रखा गया। प्रिय बच्चों, अब जैनेन्द्र कुमार की जीवनी और उनकी ध्रुव यात्रा की पूरी कहानी की PDF आपको इसी के साथ में लिंक कर रहे हैं, उसको भी देख करके पढ़ लेना पूरी कहानी को।